हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एम कॉम सेमेस्टर थर्ड के जो एग्जाम हुआ था CBCS पैटर्न के, इसके आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका पेपर आज था आपका एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर कोड जो है यहाँ पर 43723 था और पेपर कोड 72201 था। इससे आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताना आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट गए हैं और कितने मार्क्स आप लोग स्कोर कर रहे हो। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर पेपर सॉल्व नहीं करने वाला, जस्ट आंसर है। तो मैं आपको डायरेक्टली डिस्कस करूंगा, फाइनल आंसर बताऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने यहाँ पर आपको मार्क्स आ रहे हैं। और स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट्स के जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया था 43,08,000 शायद से है। यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे दिख रहा है एक वर्ड में इसको यहाँ पर, बट आंसर यही आएगा यदि हम लोग, हाँ 43,08,000 था ग्रॉस प्रॉफिट का आपका जो आंसर है, तो कितना था 43,08,000 चाहिए था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपका कहाँ से था, कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी के सम थे यहाँ पर। दूसरा, इसके प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट आया था 27,58,890 था। जो जो आइटम पोस्टिंग हुए, जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये सब तो आपको बेसिक था एकदम, आपको 12th के अकाउंट के जैसा ही था, मतलब मोस्टली आइटम तो उससे ही रिलेटेड इसके अंदर आए हुए थे। और स्टूडेंट, यदि हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट का जो टैली अमाउंट है, पहले एक एक करके शेड्यूल का चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। कैश बैंक के अंदर टोटल अमाउंट 18,012 लाख आएगा, इन्वेस्टमेंट के अंदर 7,95,000 था, सैलरी डेटर के अंदर 1,80,000, करंट असेट्स के अंदर 13,20,000 आएगा, फिक्स असेट्स के अंदर जो अमाउंट रहेगा वो 10,58,400 था, अदर आइटम के अंदर 96,024,000 यहाँ पर है। और यदि हम लोग यहाँ पर लाइबिलिटी साइड की बात करें तो शेयर कैपिटल के अंदर 10,08,000 था, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपका 1,80,000 रिजर्व फंड था, एजुकेशन फंड कंट्रीब्यूशन ऐड करने के बाद 24,510 आ जाएगा यहाँ पर, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस के अंदर 1,20,000 12,000 60,000 हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपका आ जाएगा 32,86,890 था। और जो बैलेंस शीट का टोटल टैली अमाउंट था वो आपका 46,91,400 है। तो आप लोग को चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट, मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस के कितने अमाउंट थे, तो मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस में आपका ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,28,000 आ जाएगा, नेट प्रॉफिट 27,58,890 था, और ट्रांसफर टू रिजर्व फंड में 6,89,723 यहाँ पर आ जाएगा, और बैलेंस में 25,97,167 है। और स्टूडेंट, चैनल के पेज को आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल दिया हुआ है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ID को फॉलो करके आप लोग इसको ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 था, यहाँ पर शेड्यूल बनाना था, ठीक है। प्रीमियम वन मतलब इंश्योरेंस चैप्टर का आपका सम है, जिसके अंदर आपका सबसे फर्स्ट यहाँ पर आया था प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस आपका 18,40,000 आ जाएगा, रिसीवेबल एज पर 31 मार्च जो था 1,04,000 आ जाएगा, रिसीवेबल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 का 75,000 आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा 18,69,000 आ जाएगा यहाँ पर। प्रीमियम रिसीव ऑन री इंश्योरेंस का यहाँ पर दिया है 2,88,000 है, एड रिसीबल एज ऑन 31 मार्च 2023 का 1,02,000 है, रिसीबल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 का कितना है 1 लाख है, टोटल अमाउंट 2,90,000 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लेस प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेट का दिया था आपको 1,84,000 आ जाएगा, एड पेबल ऑन 31 मार्च 2023 का आपको दिया है 1,46,000 है, पेबल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 1,12,000 है, टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,18,000 माइनस करेंगे तो प्रीमियम अर्न नेट जो था 19,41,000 यहाँ पे आ जाएगा, लेस रिजर्व फॉर एक्सपायर्ड रिस्क का यहाँ पर आपका जो अमाउंट दिया था 9,70,500 है, ओपनिंग रिजर्व 9 लाख है,
तो यदि हम लोग माइनस करते तो 70,500 से यहाँ पर आ जाएगा, तो टोटल अमाउंट 80,70,500 फाइनल अमाउंट आ जाएगा। शेड्यूल टू की बात करें तो क्लेम इंश्योर्ड का था अमाउंट था, क्लेम पेड फॉर द डायरेक्ट बिजनेस 9,40,000 था, पेबल जो ऐड करना था 62,000, पेबल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 का 50,000, 9,52,000 आ जाएगा। ऐसे क्लेम पेड फॉर री इंश्योरेंस का 1,22,200 है और क्लेम रिसीव फॉर री इंश्योरेंस से 51,000 है। इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा एट द रिसीबल 31 मार्च का 2,23,000 है, 4,800 है, रिसीबल का है 11,000, टोटल 44,800 यहाँ पे आ जाएगा। लेस लीगल एक्सपेंसेस फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम का 28,800 आ जाएगा, क्लेम पेड 10,58,200 यहाँ पे आ जाएगा। कमीशन का जो फाइनल अमाउंट था नेट कमीशन पेड का 86,000 था और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अमाउंट था 8,95,200 से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सैलरी हो गया, रेंट हो गया, पोस्टेज हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और लीगल एक्सपेंस आ जाएगा। और जो फाइनल रिवेन्यू का फॉर्मेट था इसके अंदर इनकम में, इनकम में आपका प्रीमियम अर्न आ जाएगा 80,70,500, अदर इनकम में कुछ भी नहीं था। इंटरेस्ट और डिविडेंड में 5,60,000 टोटल इनकम हो गया, 24,30,500 हो गया। एक्सपेंस की बात करें तो क्लेम इनकर्ड हो गया, कमीशन हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, ये सब लेकर इसमें से माइनस करेंगे तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ जाएगा 3,91,100। अभी यहाँ पर फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन ठीक है कन्वर्ट करने के आपको दिए हुए थे, तो यहाँ पर कन्वर्जन के जो अमाउंट डायरेक्टली देख सकते हो आपको कि हेड ऑफिस का था 28,61,552 था, रेमिटेड टू ऑफिस का, रेमिटेड टू हेड ऑफिस का 5,93,088 है यहाँ पर, बिल्स रिसीबल और बिल्स पेबल का 31,20,000, 7,48,800 से, सैंडरी डेटर और क्रेडिटर का 47,42,400 से 8,73,600 रहेगा। सेल्स परचेस का अमाउंट दिया है 1,66,32,000 है, सेल्स का 2,78,43,200 है, फर्नीचर और फिक्चर का 15 लाख से आ जाएगा यहाँ पर 15,08,800। स्टॉक का जो अमाउंट है 24,32,000 है, सैलरी का 4,92,800, डेप्रिसिएशन 16,82,240 है, कैश ऑन हैंड है 9,98,400 है, जनरल एक्सपेंस 17,24,800 है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है 1,57,696 है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में 23,99,936 है। इस तरीके से हमारा जो एक्सचेंज का डिफरेंस बैलेंस आएगा वो 41,49,008 आ जाएगा। और इसके सोल्यूशन में ट्रेडिंग अकाउंट्स का यहाँ पर देख सकते हो, इसका ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1,80,99,200 आ जाएगा। और यदि हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 95,90,736 आ जाएगा और बैलेंस शीट का जो टैली अमाउंट रहेगा 1,34,81,600 आ जाएगा, 1,34,81,600 आ जाएगा। ये सबको स्क्रीनशॉट लेके स्टूडेंट आप मैच कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर वापस से इंश्योरेंस के क्वेश्चन थे जिसके अंदर आपका प्रीमियम का प्रीमियम अर्न डायरेक्ट बिजनेस का 16,15,000 अमाउंट आ रहा था और प्रीमियम फॉर री इंश्योर्ड बिजनेस का 1,91,750 था। यहाँ पर प्रीमियम अर्न नेट जो अमाउंट रहेगा 17,41,250 आ जाएगा, अनएक्सपायर्ड रिस्क का 41,250 अमाउंट आ जाएगा, तो 17 लाख हमारा प्रीमियम अर्न में आ जाएगा। क्लेम इंकर्ड में 9,32,500 आएगा, क्लेम पेड री इंश्योरेंस बिजनेस का 3,13,500 आ जाएगा, क्लेम रिसीव री इंश्योरेंस सीडेड बिजनेस से हम लोग को यहाँ पर टोटल दिया है 25,750 और लीगल एक्सपेंस 5,000 है। इस तरीके से क्लेम पेड नेट अमाउंट आ जाएगा 12,25,250 आ जाएगा। कमीशन की बात करें तो कमीशन पेड 34,000 है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा
85,250 आ जाएगा। रिवेन्यू अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 का, तो प्रीमियम अर्न का 70 लाख है। अदर बिजनेस इंटरेस्ट डिविडेंड से कुछ नहीं, तो 70 लाख यहाँ पर अमाउंट है डायरेक्टली। एक्सपेंस में आपका अमाउंट सेम वही, क्लेम इंकर्ड 12,25,250, कमीशन 34,000 था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 85,250, टोटल खर्च हो गए 30,44,500, माइनस करने पे हम लोग को 3 लाख नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,55,500 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है, शेयर कैपिटल का अमाउंट 16 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस का 36,80,000 शेड्यूल में, बैंकिंग का समता 1,58,00,000 का आ जाएगा डिपॉजिट का अमाउंट टोटल, बोरोइंग का अमाउंट आ जाएगा 32 लाख, अदर लाइबिलिटीज का आ जाएगा 50,25,000, कैश ऑन हैंड में अमाउंट जो रहेगा कैश इन हैंड में आ जाएगा आपका 58,56,000 आ जाएगा। बैलेंस विथ अदर बैंक एंड मनी कॉल इट शॉर्ट नोटिस में 52 लाख आएगा, इन्वेस्टमेंट 32,80,000, एडवांसेस में 70,40,000 आ जाएगा, फिक्स असेट्स हमारा डेप्रिसिएशन माइनस करने बाद 44,32,000 आ जाएगा। अदर असेट्स का नील अमाउंट था, कंटीजेंट लाइबिलिटीज 24 लाख है, इंटरेस्ट ऑन 40,72,000 आ जाएगा, रिबेट 88,000 माइनस करने के बाद, अदर इनकम में 16 लाख आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपांडेड में 12 लाख आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे टोटल 90,92,000 आ जाएगा यहाँ पर। अभी फॉर्म दिया है बी स्मार्ट बैंक का दिया हुआ है, तो ये अमाउंट सब है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग चेक कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में ऊपर डिस्कस कर लिया हम लोग। तो बैलेंस कैरिड बैलेंस शीट में 25 लाख आएगा, और बैलेंस शीट का जो टैली अमाउंट है वो आपका 2,58,08,000 आ जाएगा, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लाइबिलिटीज, असेट्स में कैश इन हैंड, बैलेंस विथ आरबीआई, बैलेंस विथ अदर बैंक कॉल नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स असेट्स, अदर असेट्स, कंटीजेंट लाइबिलिटीज, ये सब अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। वापस से यहाँ पर बैंकिंग के सम दिए थे, शेयर कैपिटल का अमाउंट 15 लाख ऑप्शन में था, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के वापस से अमाउंट आपके आ जाएंगे 39 लाख, जिसके अंदर आपका जिसके अंदर हमारा यहाँ पर आ जाएगा रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस 4,80,000, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3,50,000, 7,95,000 आ जाएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व 1,05,000, टोटल 39 लाख आ जाएगा। डिपॉजिट में सेविंग बैंक डिपॉजिट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये सब अमाउंट मिला के 3,60,00,000 आ जाएगा। बोरोइंग 6 लाख है, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस 90,000 24 लाख, कैश इन हैंड में 1,80,000 है, कैश विथ अदर बैंक मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस में 84,90,000, टोटल मिला के 93 लाख हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट 90 लाख है, एडवांसेस 2,25,00,000 है, फिक्स असेट 36 लाख, अदर असेट्स नील है, कंटीजेंट लाइबिलिटीज 54 लाख है। प्रॉफिट का यहाँ पे दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,50,000 था, लेस इंटरेस्ट अक्रूड एंड पेड सैलरीज, रेंट, ट्रांसफर टू रिजर्व बैलेंस आ गया था 3,15,000। इसके बैलेंस शीट का फाइनल बैलेंस शीट यहाँ पर आप लोग इसके भी स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लेना। अभी फिलिंग द ब्लैंक्स से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, फर्स्ट में शेड्यूल 3 आएगा, सेकंड में 50% आ जाएगा, थर्ड में एवरेज रेट आएगा,
फोर्थ में फॉर्म वन आएगा, फिफ्थ में रिपोर्टिंग कंट्री आएगा, और फोर के बी में फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ फॉल्स है। फोर के सी में मरीन इंश्योरेंस का राइट आंसर आएगा, 100% रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क आएगा, करंट डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट आएगा, शेड्यूल 10 इन द बैलेंस शीट ऑफ बैंक फिक्स एसेट्स है, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉर्म नंबर AN है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है।